गुरुग्राम में जी 20 समिट के लिए लाए गए पौधों की चोरी का मामला तो आपको याद ही होगा। ऐसा ही एक दूसरा मामला नागपुर से सामने आया है। वीडियो में देखा जा सकता है कि एक BMW कार से दो शख्स बाहर निकलते हैं और फुर्ती दिखाते हुए सड़क पार करके G20 के लिए लाए गए पौधों को उठाकर BMW की डिक्की में रख देते हैं। सोशल मीडिया पर ये वीडियो ताबड़तोड़ शेयर किया जा रहा है। कुछ लोग इस वीडियो को शेयर करते हुए चुटकी ले रहे हैं कि गुरुग्राम का गमला चोर अब नागपुर जा पहुंचा है। कई लोगों ने इस हरकत को गिरा हुआ भी करार दिया। लोगों का कहना है कि इन पौधों को देश की खूबसूरती को बढ़ाने के लिए लगाया गया है, न कि किसी के घर की बगिया को सजाने के लिए। कुछ लोगों ने युवकों की इस हरकत पर अपना गुस्सा भी जाहिर किया। गौरतलब है कि महाराष्ट्र के नागपुर में 20 से 23 मार्च को G20 इवेंट होगा। इसके लिए पूरे देश को सजाया जा रहा है। शहर को हरा भरा दिखाने के लिए चारों ओर पेड़ पौधे लगाए जा रहे हैं। दोनों युवक इन्हीं पौधों में से कुछ पौधों की चोरी करके अपनी गाड़ी की डिक्की में डालकर ले गए। वायरल वीडियो में गाड़ी की नंबर प्लेट साफ तौर पर देखी जा सकती है। इसी नंबर प्लेट के जरिए पुलिस अब चोरों का पता लगाने में जुट गई है। ऐसा एक मामला कुछ दिनों पहले गुरुग्राम में भी देखने के लिए मिला था। हरियाणा के गुरुग्राम में एक शख्स अपनी लग्जरी कार में G20 के लिए लाए गए गमलों और पौधों को भर कर ले गया था। ये वीडियो भी सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुआ था, जिसके बाद पुलिस हरकत में आई और उस शख्स को सलाखों के पीछे भेज दिया गया था।